लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। जनसंघ से निकली बीजेपी आज दुनिया की लोकप्रिय पार्टियों में शुमार है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल 1980 इस तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का गठन हुआ। बीजेपी चुनावी महीने में स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय पर जेपी नड्डा ने दफ्तर में पार्टी का झंडा फहराया। जनसंघ से निकली बीजेपी आज दुनिया की लोकप्रिय पार्टियों में शुमार है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने सालों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी है। देश की जनता जनार्दन एक नई लोकसभा चुनने को पूरी तरह से तैयार है। मैं आश्वस्त हूँ कि देश भर के मेरे परिवारजन हमें एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ताकि बीते एक दशक में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे नई मजबूती दी जा सके। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को याद किया और कहा कि बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है और कहा कि देश फिर से मौका देगा। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि यह अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ, और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। हमारी पार्टी की स्थापना ही महान भारत की रचना के लिए हुई है। हम सत्ता के लिए राजनीति में आए हुए लोग नहीं, हम विचारधारा से बने हुए लोग, और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा। मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी ने देश के भले के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की समस्याओं के निवारण के लिए न केवल कार्यक्रम बनाए, संघर्ष किया और सत्ता पर पहुँच कर आज इसके निवारण के लिए भी हम कार्यरत। भारत के पश्चिमी घाट को 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। उस समय जो पौधा रोपा गया तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आज आलम यह है कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में 370 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों ने बीजेपी की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती।
1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। 1989 के चुनाव में बीजेपी 85 सीट जीतने में सफल रही। 1991 में बीजेपी के खाते में 120 सीटें आईं और 1996 में 161 सीट जीतने के बाद बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और पूरे कार्यकाल तक चली। 2004 में बीजेपी 138 सीट पर सिमट कर रह गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पहली बार पार्टी को 282 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट पर जीत दर्ज की। 44 साल में बीजेपी हर कसौटी को पार कर देश की नंबर वन पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार फल फूल रही है। देश के 80% से ज्यादा राज्यों में कमल खिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग होने जा रहा है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को हम छोड़ते तो पिछले चुनाव के नतीजों में कांग्रेस दक्षिण भारत में सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में सेंधमारी की कोशिशों में है। साउथ की 132 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने इस पर पूरी ताकत झोंक दी है।2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में दो महीने से भी कम का वक्त बचा है। 543 सीटों पर हो रहे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर दुनिया की नजर है। 2024 का पूरा चुनाव मानो बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो चुका है। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए 370 तो एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है। 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार बीजेपी के इस टारगेट को पूरा करने में उत्तर भारत में लैंडस्लाइड विक्ट्री बेहद जरूरी मानी जा रही है, तो वहीं साउथ में बीजेपी का जनाधिकार बढ़ने का भी दावा पार्टी कर रही है। 543 में से 132 सीटें उत्तर भारत में हैं। 132 सीटों में से 39 सीटें तमिलनाडु की हैं, जिस पर बीजेपी का खास फोकस है। 543 में से एनडीए ने 2019 में 353 सीटें जीती थी। वहीं दक्षिण भारत में 132 में से 29 तो तमिलनाडु के 39 में से एनडीए को एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। बीजेपी ने एक साथ कई पहलुओं पर काम किया है, जिसकी वजह से बीजेपी तमिलनाडु में अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। इस बार बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें तमिलिसाई सुंदर राजन और अन्नामलाई जैसे चेहरे शामिल हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के कई मंदिरों में गए और बीजेपी ने इस बार सनातन को भी तमिलनाडु में मुद्दा बनाया। मेरे लिए तमिल भाषा और तमिल संस्कृति बहुत विशेष रही है। संयुक्त राष्ट्र में यूएन में मैंने जो तमिल कविता पढ़ी थी उसके बारे में विदेशों तक मैं पूछा जाता है। मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में काशी तमिल संगमम करवाया, उसे लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को
पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देश के वासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तमिलनाडु की 39 सीटों पर दबदबा द्रमुक का ही होगा, लेकिन बीजेपी दबे पांव इस राज्य में बढ़ रही है। पूर्व सीएम के बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन की पार्टी और द्रमुक गठबंधन में है। माना जा रहा है कि स्टालिन सरकार की योजनाएं 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का सकारात्मक असर है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग में द्रमुक की अच्छी पैठ है। 2014 में भी द्रमुक को 39 में से 37 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या 15% है, जिसमें 85 से 90% द्रमुक के साथ हैं। लेकिन जमीन पर बीजेपी की जो तैयारी है उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी आने वाले कुछ साल के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। 2024 चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी को तमिलनाडु से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी ने अन्नामलाई को पार्टी अध्यक्ष बनाकर दाव खेला है। पूर्व IPS अन्नामलाई युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और आक्रामक राजनीति करते हैं। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी को आक्रामक छवि वाला नेता मिला है। अन्नामलाई काउंडर समुदाय से आते हैं। इस समुदाय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और AIDM के गठबंधन को एक तरफा वोट दिया था। अन्नामलाई की पदयात्रा और पीएम मोदी के लगातार दौरे से बीजेपी ने रिमोट एरिया में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नशा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को लगातार उठा रही है। बीजेपी ने बीते कुछ साल में संगठन को भी मजबूत किया है। वहीं बूथ लेवल पर कई कमेटियां भी बनी हैं। साथ ही कच्चा द्वीप के मामले में भी DMK और कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है। इस मुद्दे से मछुआरा समुदाय के प्रभावित होने की संभावना है, जिसका असर 15 सीटों पर रहता है। हालांकि AIDMK से गठबंधन टूटने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में जाति का हमेशा से असर रहा है। इस बार भी सीट बंटवारे में जाति का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। सभी गठबंधन ने मिलकर वनियार जाति को 21 सीटें दी हैं, जो उत्तर तमिलनाडु में प्रभावी हैं। काउंडर से 21 और नायडू से 12 प्रत्याशी हैं, जिसका असर पश्चिम तमिलनाडु में है। इन सब के साथ तमिलनाडु में सनातन फैक्टर भी काफी अहम है। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं का सनातन विरोधी स्टेटमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन और राम मंदिर को लेकर बीजेपी का प्रचार। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की करीब 3 करोड़ जनता आने वाले चुनाव में किस तरफ रुख करती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे को सफल करने में तमिलनाडु की 39 सीटें काफी अहम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात कर लेते हैं यूपी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को खुली चुनौती दी। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि सूबे की सुरक्षा घेरा जो तोड़ेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब साफ है, सूबे में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। गुंडे सुने, बवाली सुने, गैंगस्टर सुने, माफिया सुने, डकैत सुने, लुटेरे सुने, डाकू सुने, दहशत फैलाने वाले सुने। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। ये खुला संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये खुली चेतावनी है सीएम योगी की। सूबे की सुरक्षा में जिसने भी हाथ लगाने की कोशिश की उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज जो हकीकत बना है, इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है।
अलीगढ़ की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और गुंडों को खुली चेतावनी दी है। सीएम योगी ने साफ तौर से कहा, हम सिर्फ राम को ही नहीं लाए हैं बल्कि बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले का राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था, वोट हमारा। तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। अलीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं, बिना उनके कोई काम नहीं होता है। वही जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य भी तय है। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को मेहमानदान करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गलियों में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं। फिर से मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से माफियाओं का सफाया लगातार हो रहा है। सिर्फ योगी ने गुंडों की गुंडई मिट्टी में मिला दी। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां और व्यापारी रात को बिना डर खौफ से निकलते हैं, क्योंकि सीएम योगी ने सूबे में खौफ के माहौल को खत्म कर अमन का माहौल बनाया है, जिससे माँ बेटियां और बिजनेसमैन खुली सांस ले रहे हैं और माफिया कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।